हेलो गाइस, आई एम मयंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि क्या है, आप क्या समझते हैं कृषि से? कि किसान दिन भर खेत में काम करता है, फसलों को उपजाता है, वह क्या कृषि कहलाता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। कृषि का मतलब है कि किस प्रकार से किसान जो उपजाता है खेत में और फसलों को उगाता है, उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या उसको करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है वह लैटिन वर्ड के टू वर्ड से लिया गया है। ठीक है, एजर प्लस कल्चर। एजर का मतलब है मिट्टी अर्थात भूमि, और कल्चर का संस्कृति से लिया गया है जिसका मतलब है जुताई करना। ठीक है, कल्टिवेशन। तो क्या है कि किस प्रकार से हम मिट्टी की जुताई करते हैं, वो आपका क्या है, एग्रीकल्चर है। एंड एग्रीकल्चर इज अ साइंस ऑफ कल्टीवेशन, यह एक जुताई का विज्ञान है। मतलब किस प्रकार से हम जुताई करते हैं और फसलों को उगाते हैं। ठीक है, तो यह एक क्या है, कला है। और गाइस, आप जैसे कि जानते हो कि कल्टीवेशन करते हैं हम और फसलों को उगाते हैं, उनको उनका उपजाऊ करते हैं, क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ती है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर एक चीज़ का मापना, हर एक चीज़ का क्या क्या उर्वरक देना है, सब कुछ हमें पता रहता है। तो इसके विषय में हम जो भी जानकारी लेते हैं उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो आप जैसा जानते हैं कि पहले के टाइम से काफ़ी कुछ बदल चुका है। अब काफ़ी मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से अब ज़्यादा मैकेनरीज आ गई हैं अपने पास, जो कि काफ़ी हेल्प करती हैं एग्रीकल्चर में हमारे, और काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। सो ये सब कुछ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। फादर ऑफ एग्रीकल्चर, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, यह एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे। कुछ लोग उन्हें आधुनिक कृषि का जनक और हरित क्रांति का जनक मानते हैं। उन्होंने अपने जीवन के कार्यों के लिए 1970 में नोबल शांति पुरस्कार जीता, जो उन्हें काफ़ी अनुभवी बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि कई वर्षों से की जा रही है। कृषि के क्षेत्र से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60% लोग जुड़े हुए हैं। पौधों या पशुओं से संबंधित उत्पादों की खेती करना या उत्पादन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। कृषि के क्षेत्र को जीवन यापन करने का एक मुख्यतः स्रोत माना जाता है। भारत में कृषि इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से ही चली आ रही है। कृषि सभ्यता उससे भी पुरानी है। कृषि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी भारत हमारा लगभग आधी से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। इसी वजह से आज भी भारत एग्रीकल्चर का क्षेत्र में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भाग पर चारगाह, लगभग 21% पर वन और 24% बंजर और बिना उपयोग की है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि और इससे संबंधित उद्योग और धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। ये हालत तब है जब भारत की कुल कामकाजी आबादी के 40% कामगारों का रोजगार कृषि से मिलता है और ग्रामीण आबादी का करीब 70% इस पर निर्भर है। हालांकि खेती से उन्हें बहुत मूल्य आमदनी होती है। वित्त वर्ष 2020 में देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का हिस्सा सहज 14.65% रहा है। वित्त 2015 से 22% से लगभग कम है। ऐतिहासिक रूप से खेती किसानी का विकास आदिकाल से आधुनिक काल तक निरंतर होता रहा है एवं इसी विकास को खेती की विभिन्न विधियों के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। कृषि के बारे में आज हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की और इसके बारे में जाना कि क्या ये महत्व रखता है, और ऐसे ही हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि क्या इतिहास रहा है इसका और क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या क्या निर्भर करता है। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अनदर अपडेट मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।